अभी आता है भैया वीपी मिश्रा से। वीपी मिश्रा से सबसे पहला क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में यहाँ जीरो है, यानी कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूट्स क्या है? -1, -1 एंड 3। -1 दो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो दो रिपीट हो रहे हैं, तो C1 + C2x e की पावर -1 × x, दूसरे की वजह से क्या आएगा? e की पावर 3x, ठीक है। सो ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या होगा भैया? रूट्स जो हैं अब क्या निकल के आएंगे भैया? 3 -3 -2 एंड इमेजिनरी। सो एक तो इमेजिनरी का पेयर हो गया एंड दो अनइक्वल हो गए। सो ये सेकंड केस हो गया। अब इस सेकंड केस में क्या होगा? एक ई का एक्सप्रेशन इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एंड इसकी वजह से क्या होगा? रियल पार्ट की वजह से क्या आएगा? e की पावर -x, ठीक है। एंड इमेजिनरी पार्ट की वजह से आएगा C3 cos x + C4 sin x, ठीक है। तो ये इसका होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट केस में क्या होगा? D2 + D+1। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे? जो रूट्स आए, दो रूट्स आएंगे, ठीक है। ठीक है भैया, दो नहीं, चार रूट्स आएंगे, बिकॉज दिस इज यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। सो चार रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? ये स्क्वायर को भूल जाओ, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? कॉम्प्लेक्स पेयर। सो स्क्वायर में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पेयर जो है वो रिपीट हो रहा है। सो जब रिपीट होगा तो क्या होगा? सो ये अगला केस आ गया। इसमें क्या होगा? -1/2 एंड -1/2 इज रिपीटिंग। चार रूट्स के लिए लिखना है। सो e की पावर -1/2 ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t। फिर इमेजिनरी जो है, इमेजिनरी की वजह से क्या आएगा? रूट्स आर रिपीटिंग। सो C1 x C1 t + C2 × cos of imaginary (t) + C3 t + C4 sin of imaginary (t). ये आपका अगला केस हो गया। फिर उससे अगला केस क्या होगा? यहाँ पे जो पेयर है वो रिपीट हो रहा था, बट यहाँ पे पेयर रिपीट नहीं होगा, बट टू डिफरेंट पेयर्स हैं। सो दो डिफरेंट पेयर्स क्यों हैं? बिकॉज रियल पार्ट इज डिफरेंट। यहाँ पे दोनों का रियल पार्ट सेम था, इमेजिनरी भी सेम थे, एंड प्लस माइनस आ रहा था। यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी पार्ट सेम है, रियल पार्ट अनइक्वल है, यानी कि पेयर जो है वो इक्वल नहीं है, दो अलग अलग पेयर है। सो इस पेयर के लिए क्या होगा? e की पावर 1/√2 ऑफ x वाला एक्सप्रेशन आएगा, एंड इसकी जगह क्या, इसके लिए क्या आएगा? e की पावर -1/√2 ऑफ x वाला एक्सप्रेशन आएगा। इमेजिनरी की वजह से वही C1 cos of this + C2 sin of this, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। फिर इसके करस्पॉन्डिंग भी सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो ये अगला केस आ गया। यहाँ पे पेयर रिपीट हुआ, यहाँ पे दो अलग अलग पेयर्स बने। नाउ अब आता ही है, α + √β, फिर α + √β। अब इस केस के लिए आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ इमेजिनरी के लिए देखा है। इसमें क्या है बेसिकली? इसमें जो है ये रियल है बेसिकली, बट इस रियल है बेसिकली, तो e की पावर α + √β ऑफ x एंड α + √β ऑफ x, ये चार एक्सप्रेशंस बनेंगे बेसिकली। बट चार नहीं बनेंगे, बिकॉज α + β एंड यहाँ भी α + β रिपीट हो रहा है, इसलिए C1 + C2x e की पावर α + √β ऑफ x, ठीक है, √β ऑफ x। फिर ऐसे ही क्या बनेगा भैया? ऐसे ही α - √β भी रिपीट हो रहा है, इसलिए C3 + C4x e की पावर α - √β ऑफ x। अब जब इसको सिंपलीफाई आप करने लगोगे तो फॉर्म क्या निकल के आएगी? e की पावर रियल पार्ट ऑफ x इंटू क्या होगा? C1 + X C2 cos हाइपरबोलिक कॉस √β ऑफ x + C3 + X C4 sin हाइपरबोलिक √β ऑफ x, ठीक है। अगर आयोटा लग जाता तो यहाँ पे हाइपरबोलिक की जगह साइन एंड कॉस आते, अगर यहाँ पे आयोटा नहीं है, ठीक है, इरेशनल रूट्स हैं एंड पेयर में रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है? इरेशनल है, इसलिए ये फॉर्म बन गई, ठीक है तो रियल ही ना, इरेशनल भी तो रियल ही कहलाता है ना। सो रियल से लेके मैं यहाँ पे आ गया इस फॉर्म में। तो साइन एच की फॉर्म में कैसे, साइन एच एंड कॉश एच की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है भैया? सो ये इसका आंसर होगा, ठीक है।
नाउ अगला क्वेश्चन ये आता है, इस क्वेश्चन में क्या होगा भैया, रूट्स आए -2 एंड -2, यानी कि रिपीट हो रहा है, तो c1 प्लस c2x, ठीक है, e की पावर -2x। अब दो कंडीशन दी हुई है, y0 इज 1 एंड y डैश 0 इज 1, तो c1 एंड c2 निकल जाएंगे, ठीक है भैया।